योगी कैबिनेट की बैठक है आज, तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है इस बैठक में। यूपी में बनेंगे 16 साइबर क्राइम पुलिस थाने, तो ये बड़ी खबर है कि यूपी में 16 साइबर क्राइम थाने बनने की खबर सामने आ रही है। वही साइबर क्राइम पुलिस थाने बनाने के संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। वही रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी में संशोधन के लिए प्रस्ताव है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश है, जहां पर यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक है, जहां पर योगी जो है वो सूबे के मुखिया वो इस बैठक का नेतृत्व तो करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। तो आपको बता दें कि इसी के साथ साथ 16 साइबर क्राइम पुलिस थाने बनाए जाएंगे, जिसके प्रस्ताव को आज इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश में सटे पड़ोसी राज्यों से सप्लाई होने वाले खनिज पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगने की संभावना है। वहीं कैबिनेट में कुल 13 प्रस्तावों को रखा जाएगा। तो खबर है कि आज की इस बैठक में कुल मिलाकर 13 प्रस्तावों को सामने रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज इन प्रस्तावों में से कौन से प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगेगी। तो वहीं हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हैं विस्तृत जानकारी साथ। तो आदित्य, आज वो कौन कौन से फैसले हैं जिन पर मोहर लग सकती है? देखिए, कुल 13 बिंदुओं पर आज कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें खासतौर से जो खनिज पड़ोसी राज्यों से जो खनिज संपदा आती है प्रदेश में, इसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश के राजस्व को नुकसान होता है, इस पर प्रस्ताव पास होना बिल्कुल तय है। जैसे आस पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये बॉर्डर से लगते हैं उत्तर प्रदेश से, और यहाँ से काफी मात्रा में खनिज संपदा आती है, जिससे राजस्व का नुकसान होता है। इसके अलावा जो रजिस्ट्री शुल्क है जो संपत्ति पर, इस पर भी कुछ परसेंटेज टैक्स बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ थाने बनाए जाएंगे मुख्यालयों में, साइबर क्राइम थाना स्पेशली, इसको खोलने का भी निर्णय हो चुका है, जिसमें अयोध्या, कानपुर सहित लगभग 16 परिक्षेत्र तय किए गए हैं। ये थाने क्राइम थाने स्पेशली होंगे, साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए इन थानों का जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा गन्ना और किसानों से कुछ मसला है, चीनी मिलों का और गन्ना विकास निगम की, इसको लेकर के कोई निर्णय लिया जा सकता है सरकार की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।